हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ बिलासपुर इकाई अपनी मांगों को लेकर अपनी लड़ाई जारी रखेगी। इसके लिए सभी चिकित्सक 18 जनवरी से काले बिल्ले लगाकर अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। ये बात बिलासपुर अस्पताल में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला चिकित्सा अधिकारी संघ के प्रधान एवं ENT रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा ने कही। इस अवसर पर उन्होंने 5 सूत्रीय मांग पत्र पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 3 जून को हिमाचल प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ की संयुक्त संघर्ष समिति को आश्वासन दिया था कि भविष्य में चिकित्सकों की नियुक्ति के समय NPA को पुनः संलग्न कर दिया जाएगा, लेकिन धरातल पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति में से नहीं जोड़ा गया है, जिससे इस वर्ग में खासा रोष है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में अनुबंध पर नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को 33,660 रुपए वेतन के रूप में दे, जो कि पूरे भारतवर्ष में सबसे कम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो स्टेट HMO की स्टेट ब्रांच ने जो फैसला लिया है कि हम अपनी मांगों के लिए जो विरोध प्रदर्शन 18 तारीख से ब्लैक बेजिस लगाने के रूप में शुरू कर रहे हैं, तो हम अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि हम पूरी तरह से अपनी जो हमारी स्टेट ब्रांच है, हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं। और जो हमारी 5 मुख्य मांगे हैं उसमें सबसे पहले रहेगी कि जो अभी हमारा NPA जो नए डॉक्टर्स लगे हैं उनको NPA नहीं मिल रहा है, और जो अभी रिटायर हो रहे हैं डॉक्टर्स उनको भी, उनके भी जो पेंशन से है वो NPA को डीलिंक किया हुआ है। तो हमारी सबसे पहली मांग तो ये रहेगी कि NPA को सैलरी में और पेंशन में दोबारा से लिंक किया जाए। दूसरी डिमांड है कि जो अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम होती है उसको फिर से स्टार्ट किया जाए डॉक्टर्स के लिए। तीसरी डिमांड है कि जो हमारी पोस्ट रहती है हिमाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की प्रोजेक्ट डायरेक्टर की, तो उसके जो पावर्स हैं वो दोबारा से डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को ही वापस प्रदान की जाएँ, जो उसकी शक्तियाँ हैं।